आज इस वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ IBM के प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जैसे डाटा एनालिस्ट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया और 6 और सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो कि प्रीमियम सर्टिफिकेशन होते हैं, जो कि आप लोग फ्री में कर सकते हो। एक ऐसा ऑफर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो इन कोर्सेज को अगर आप ऑनलाइन करने जाओगे तो 5 से 10 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं आप लोगों को, बट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आप इनरोल करके इन सर्टिफिकेशन को बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो इवन एक स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, ग्रेजुएट, इन कोर्सेज में कोई भी इनरोल कर सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो नई स्किल सीखने में तो आप सब लोग एलिजिबल होने वाले हो इन कोर्सेज में इनरोल करने के लिए। पूरी प्रोसेस आज इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, इन कोर्सेज को कंप्लीट कैसे करना है, सर्टिफिकेशन आप लोग को कैसे मिलेगा और आप लोगों को फ्री में ये सर्टिफिकेशन कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ही आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना ताकि पूरी प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर हम बात करें किस टाइप के सर्टिफिकेशन आपको ऑफर किए जाते हैं, तो ये सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है जो कि आप लोग अपने मोबाइल फोन से कंप्लीट कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग घर बैठ के IBM सर्टिफाइड हो सकते हो। उससे पहले एक और अपडेट है आप लोगों के लिए, 28 फेब को PW ने सेलिब्रेट किया है एक मेगा इवेंट, इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव हैशटैग भारत का विश्वास की ऑनगोइंग सेलिब्रेशंस को आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स और डिस्काउंट्स और ऑफर्स आप लोगों के लिए PW ने इस टाइम पे लॉन्च किए हुए हैं। इनके इंजीनियरिंग गेट बैचेस को आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे प्राक्रम केमिकल इंजीनियर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच ये लॉन्च हो रखा है। इसके अलावा यहाँ पे इनका एक प्राक्रम गेट 2025 का बैच है जिसमें आपको डाटा साइंस और AI की भी नॉलेज दी जा रही है। एक कंप्यूटर साइंस एंड DA का भी बैच है प्राक्रम गेट 2025। एक श्रेष्ठ बैच है गेट PSU और प्लेसमेंट की, इसमें ये प्रिपरेशन करा रहे हैं। एक श्रेष्ठ बैच है गेट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए जिसमें PSU और प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। एक प्राक्रम बैच है जो कि ब्रांच स्पेसिफिक बैच है, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। एक विजय रैंक इंप्रूवमेंट बैच है, इसके अलावा एक प्राक्रम ESC और गेट PSU की प्रिपरेशन करा रहे हैं 2025 के लिए बैच है। एक श्रेष्ठ बैच है जो कि ESC गेट और PSU की प्रिपरेशन करा रहे हैं 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, ये वाला बैच होने वाला है। बाकी PW आप लोगों को इन फ्लाइट लर्निंग ऑफर करता है साथ साथ क्लासरूम लर्निंग के, जिसमें आप लोगों को गेट खजाना, PYQ बुक्स और बहुत कुछ एक्सेस मिल जाता है। इनके जितने भी मैंने बैचेस बताए उसमें आपको लेक्चर प्लानर, टेस्ट प्लानर अपलोड किए जाते हैं बैचेस के नोटिस सेक्शन में। क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होती हैं, MCQs, MSQs का एक्सेस मिलता है, लाइव लेक्चर्स मिलते हैं इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स मिलती है, लाइव डिस्कशंस का हिस्सा आप लोग बन सकते हो। साथ ही साथ इनमें से किसी भी बैच में आप इनरोल करते हो तो ओनली ₹11 और खर्च करके आप लोग गेट खजाना का भी एक्सेस ले सकते हो, जिसमें PW की स्टार फैकल्टी के ओल्ड लेक्चर का एक्सेस आप लोग को मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के, DPPs और DPP सॉल्यूशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं गेट खजाना में। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो PW की टॉपिक वाइज गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल टेक्स्ट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस भी मिल जाएगा। बाकी देखो अगर आप लोग इनमें से किसी भी बैच में इनरोल कर रहे हो तो कूपन कोड में TM500 जरूर यूज कर लेना, जिससे आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इनके बैचेस पे। जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है वो इनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं IBM के कौन कौन से सर्टिफिकेशन आप लोग फ्री में कर सकते हो और क्या तरीका है IBM के सर्टिफिकेशन कोर्सेज को फ्री में करने का। तो देखो IBM के कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप लोगों को कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे IBM का साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। इस कोर्स में अगर आप इनरोल करने जाओगे तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये तक पे करने पड़ते हैं इस कोर्स को करने के लिए। 6 मंथ्स के लिए ₹12,000 का ये कोर्स होता है। इसी तरीके से डाटा एनालिस्ट का भी एक कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, इसकी भी कोस्टिंग इसी टाइप से होती है। तो ये कोर्सेज प्रीमियम कोर्सेज होते हैं जो आप फ्री में कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्री में कैसे कर सकते हो। तो देखो IBM टाइम टू टाइम कुछ कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके फ्री स्कॉलरशिप ऑफर करता है इन सर्टिफिकेशन के लिए। अभी आप लोगों के लिए मार्च मंथ में फ्री स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसका हिस्सा आप भी बन सकते हो। IT एक्सपीरियंस करके एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि IBM के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है और ये फ्री में ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं। 19th मार्च से पहले पहले आप लोग इनके मार्च का जो कोरेंट है उसको अप्लाई कर सकते हो और ये स्कॉलरशिप का फायदा ले सकते हो। इस स्कॉलरशिप में क्या होता है, पार्टिसिपेशन इन IBM स्किल बिल्ड प्रोग्राम इज अवेलेबल एट यू नो कॉस्ट, यानी कि फ्री में आप लोगों को IBM के सर्टिफिकेशन करने का मौका दिया जाता है इस स्कॉलरशिप में। जो भी बच्चे इनरोल करते हैं उनको प्रोफेशनल क्रेडेंशियल मिलते हैं, यानी सर्टिफिकेशन वगैरह फ्री में दिए जाते हैं। IBM के अलग अलग कोर्सेज फ्री में करने का मौका मिलता है और ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है। इस प्रोग्राम में अगर आप हिस्सा बनते हो तो और भी बेनिफिट आप लोगों को मिलते हैं, जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक प्रोग्राम का आप हिस्सा बनते हो,
इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे आईटी एक्सपीरियंस कम्युनिटी का हिस्सा बनाया जाता है। और जो यूएसए यानी अगर आप ग्लोबल से अप्लाई कर रहे हो, यूएसए से अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोगों को माइक्रो इंटर्नशिप भी आईबीएम में ऑफर की जाती है इस प्रोग्राम के अंडर ही। इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आईबीएम स्किल बिल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम इस प्रोग्राम का नाम है और यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस साइनअप बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, उसके बाद ये ऑप्शन स्टेप वन आएगा जहाँ पे सारी डिटेल आप लोगों को मेंशन की गई है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोग को ये एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा ध्यान से फिल करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप लोगों को ये आईबीएम के सर्टिफिकेशन फ्री में करने का मौका मिलता है। यहाँ पे इन सर्टिफिकेशन स्कॉलरशिप के लिए कोई एग्जाम नहीं होता, कोई फीस नहीं देनी है आप लोगों को, जस्ट एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है जो अभी मैं आप लोगों को फिल करके भी दिखा दूंगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से सर्टिफिकेशन आपको ऑफर किए जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे 6 ये वाले सर्टिफिकेशन आपको ऑफर किए जाते हैं। आईबीएम का साइबर सिक्योरिटी हो गया, फोर्टनेट सर्टिफाइड फंडामेंटल्स का हो गया, सर्टिफाइड एसोसिएट का हो गया, कॉम्पिटिया का सिक्योरिटी प्रिपरेशन हो गया, डाटा एनालिसिस का हो गया, आईटी सपोर्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट हो गया। ये 6 सर्टिफिकेशन है, इन 6 सर्टिफिकेशन का एक्सेस आप लोग को दिया जाता है। इन 6 सर्टिफिकेशन में से कोई भी बच्चा कोई भी एक भी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करता है तो उन्हें कोर्सेरा के जो 2 मैंने सर्टिफिकेशन आप लोग को दिखाए, आईबीएम डाटा एनालिस्ट सर्टिफिकेशन और आईबीएम साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, इन दोनों सर्टिफिकेशन का एक्सेस फ्री में दिया जाता है। यही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। तो इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो ये स्कॉलरशिप फॉर्म आप लोग को फिल करना है। इसको फिल कैसे करना है ये और मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम देना होगा, यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट नेम अपना ऐड करना है, उसके बाद आपको अपनी एक मेल आईडी ऐड करनी होगी। मेल आईडी थोड़ा सा ध्यान से फिल करिएगा आप लोग, क्योंकि उसी पे आप लोग को बताया जाएगा आप लोगों का स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। आपकी एज बतानी है, आप स्टूडेंट हो एम्प्लॉयड हो ये बताना है, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो ये डिटेल ऐड करनी है, और इनमें से कोई भी जो सर्टिफिकेशन आप करना चाहते हो उस पर टिक कर देना और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का आप हिस्सा क्यों बनना चाहते हो या फिर क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलेंगे इस प्रोग्राम को अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है इसमें क्वेश्चन में आंसर कैसे करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को एक लिंक दूंगा जिसमें आपको स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आंसर मिल जाएंगे कि इन क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे करना है। तो ये आंसर आप लोगों के लिए जस्ट एक एग्जाम्पल आंसर है, इनको कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आप लोग खुद से थोड़ा बहुत टाइप करके लिखिएगा, क्योंकि उसी में आप लोगों की क्रिएटिविटी दिखाई देती है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। बट आप लोगों को थोड़ा एग्जांपल देने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा साइबर सिक्योरिटी वाले कोर्स में कैसे आंसर करना है और डाटा एनालिस्ट वाले कोर्स में कैसे आंसर करना है, तो वो लिंक आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, नेक्स्ट कर दीजिएगा, कंट्री बता दीजिएगा। कंट्री बताने के बाद लास्ट ऑप्शन है कि आप लोगों को आईटी एक्सपीरियंस और इस प्रोग्राम के बारे में पता कैसे चला, तो आप लोग अपने हिसाब से आंसर कर लीजिएगा। लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आप लोग को लिखा थैंक यू फॉर अप्लाइंग एंड यूर इंटरेस्ट इन अवर प्रोग्राम। यहां पे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया इस प्रोग्राम के लिए। अब यहां पे एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है 19th मार्च है। इस स्कॉलरशिप का जो रिजल्ट है वो 24th ऑफ मार्च को आप लोगों ने जो मेल आईडी दी है वहीं पे आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग का जो ये कोर्स है वो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल से आप लोग इस कोर्स से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो जो भी आप लोग कोर्स के लिए अप्लाई किया है। कोर्स में एक बार इनरोल करने के बाद आपको करीब 6 मंथ तक का टाइम मिलता है इस कोर्स को कंप्लीट करने का, इवन वो भी डेडलाइन एक्सटेंड भी हो जाती है अगर आपको कोई इश्यू है तो वो आप लोगों को पास टाइम बहुत होगा कंप्लीट करने का। बट अप्लाई आप लोगों को 19 मार्च से पहले पहले करना होगा। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर दें। इस वीडियो में गाइज बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।